गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज का वीडियो है बहुत ज़्यादा स्पेशल एंड एक्चुअली क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप सब में शेयर करने वाली हूँ कुछ अमेजिंग से और काफ़ी यूनिक मिक्स एंड मैच ट्रिक्स। अब देखो, कुछ प्रोडक्ट्स को आपने इंडिविजुअली ट्राई किया ही होगा, चाहे शैम्पू की बात कर लेते हैं, आप यूज़ करते ही हो, लेकिन शैम्पू में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप ऐड करने से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है उस शैम्पू का बिहेवियर, एंड ऑल्सो इफेक्टिवनेस इन सारे प्रोडक्ट्स की आप इंक्रीज़ कर सकते हैं बाय मिक्सिंग दीज टू यूनिक प्रोडक्ट्स टुगेदर। अब देखो, ऐसा नहीं है कि आपको उनको इंडिविजुअली यूज़ करना छोड़ देना है, नहीं, बट मिक्स करने से यार बेनिफिट्स अगर डबल हो रहे हैं देन क्या हार्म है, राइट? सो यहाँ पे हमने सारी कैटेगरीज कवर करी हैं, फ्रॉम हेयर केयर टू स्किन केयर टू बॉडी केयर एंड ऑफकोर्स मेकअप भी। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स क्विकली गेट स्टार्ट। सो शैम्पू हम सभी लोग करते हैं, फिर चाहे वीक में मेरे जैसे लोग एक बार करें या फिर दो से तीन बार, यू नो डिपेंड्स कि कितनी क्या रिक्वायरमेंट है। अब कभी आपने सोचा है कि शैम्पू में एक ऐसी चीज़ ऐड करने से इसके फायदे और ज़्यादा बढ़ सकते हैं, एंड दैट इज़ टू ऐड कॉफ़ी पाउडर। अब देखो, जैसे कॉफ़ी हम मॉर्निंग में पीते हैं ना, हम कितना एनर्जेटिक फील करते हैं, हमारी स्किन और बॉडी के लिए बहुत अच्छे खासे फायदे होते हैं, एंड सो इज फॉर आवर हेयर। क्योंकि शैम्पू जब आप यूज़ कर रहे हो ना तो वो क्लेंजिंग का काम कर रहा है, बट द मिनट यू ऐड कॉफ़ी टू इट ना, ये एक्सफोलिएशन का भी काम करेगा। एंड ऑल्सो कॉफ़ी में होती हैं कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि डिटॉक्सीफाई भी करता है स्कैल्प को, विच इज़ गुड फॉर हेल्दी हेयर ग्रोथ, मतलब वो भी प्रमोट हो जाती है, अच्छा एक टेक्स्चर मिलता है आपके बालों को, एंड ऑल्सो जो खुशबू आती है ना उसकी तो बात ही मत पूछो। सो अगली बार जब भी आप अपने केशों को वॉश करें, हेयर वॉश करें, तब ज़रूर ऐड करना ये कॉफ़ी का हिंट, क्योंकि इट डज मैजिक। यू नो, कभी हम सोचा भी नहीं होगा कि खाने पीने की चीज़ें भी हम नहाते टाइम पे यूज़ करेंगे, बट येस, कॉफ़ी डज दैट मैजिक टू योर स्किन, हेयर, बॉडी। सो अगली बार ज़रूर ट्राई करना और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना कॉमेंट सेक्शन में। डार्क अंडरआर्म्स एक मेजर कॉज ऑफ कंसर्न है और इसके लिए मैं हमेशा अलर्ट रहती हूँ, हमेशा आई कीप ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट DIYs, पैक्स भी मैं यूज़ करती हूँ, बट जिसने बहुत ही कमाल धमाल और बेमिसाल वर्क किया है ना मेरे अंडरआर्म्स पे, दैट इज़ टू यूज़ अ पीलिंग सॉल्यूशन, क्योंकि उसमें होता है ग्लाइकोलिक एसिड जो कि बिल्कुल माइल्ड एक्सफोलिएटर का काम करता है। एक अपर लेयर जो होती है ना जिसमें डेड सेल्स होते हैं, हल्की सी डार्क हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे अंडरआर्म्स थोड़े से डार्कर अपीयर होते हैं, तो उसको रिमूव कर देता है लिविंग आर, मतलब वो रिजुविनेट करता है ओवरऑल स्किन को। टेस्ट जरूर करना एक बार यूज़ करने से पहले, लेकिन ट्राई जरूर करना इस हैक को, क्योंकि इट इज़ एक्चुअली वेरी गुड। तो यहाँ पे मिक्स एंड मैच तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन यू आर एक्चुअली ट्राइंग डिफरेंट थिंग विच इज़ मेंट फॉर योर फेस, बट यू आर यूजिंग ऑन योर अंडरआर्म्स। देखो, स्मेलिंग गुड इज़ एन आर्ट, एक कला है, और वो हर किसी से नहीं हो पाती, बिकॉज देयर आर सेवरल प्रोडक्ट्स बॉडी केयर में जिनकी खुशबू थोड़े टाइम के लिए टिकती है बट ज़्यादा टाइम के लिए नहीं टिकती है। तो अब उनको लॉन्ग लास्टिंग और ज़्यादा इफेक्टिव हम कैसे बना सकते हैं? बाय मिक्सिंग टू प्रोडक्ट्स। और ये क्या होने वाले हैं? आपका एक बॉडी लोशन, एक बॉडी मिस्ट जिसमें काफी अच्छा अमाउंट ऑफ फ्रेग्रेंस हो, या फिर आपका फेवरेट परफ्यूम। परफ्यूम की क्वांटिटी को आप थोड़ा सा कम रखना, मतलब 1-2 स्प्रेज वुड बी मोर देन सफिशिएंट। आपको इन दोनों को मिक्स करना है। अब इससे क्या होगा, आपने सुना होगा व्हेन यू वांट टू स्मेल गुड फॉर लॉन्गर आर्स, तो उसके लिए आपको बॉडी को हाइड्रेटेड भी रखना होता है, तो वो बॉडी लोशन उसका काम करेगा, और बॉडी लोशन की जो खुशबू है वो ज़्यादा टिकती नहीं है, तो उसमें परफ्यूम का तड़का उस फ्रेग्रेंस को ना लॉन्ग लास्टिंग बनाने में हेल्प करेगा। सो अगली बार ज़रूर ट्राई करना ये कॉम्बिनेशन, क्योंकि इससे बॉडी मॉइस्चराइज भी रहेगी एंड यू विल बी स्मेलिंग गुड एक्चुअली फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। आई मीन, सो फार वी हैव कवर्ड हेयर केयर, स्किन केयर एंड बॉडी केयर। अब हम बात करने वाले हैं, एंट्री लेने वाले हैं मेकअप कैटेगरी में। अब देखो, मेकअप में ऐसे कौन से दो प्रोडक्ट्स हैं जिनको मिक्स एंड मैच करके आप अपने मेकअप में वो उम फैक्टर ऐड कर सकते हो? अब देखो, मेकअप की मैं बात करूँ ना तो आई लाइनर इज़ वेरी बेसिक। आप अगर टीनेजर को भी देखोगे कॉलेज स्कूल जाके, हर कोई लगाता ही है, एंड कलर्ड लाइनर ने तो आजकल जो आग लगाई है ना, जो ट्रेंड है उनका। अब देखो, हर किसी के पास में कलर लाइनर नहीं हो सकता, अनटिल और अनलेस यू आर अ इन्फ्लुएंसर। लेकिन सच बताऊँ, मेरे पास में भी इतने नहीं है, बिकॉज इतना सारा मिल्क कौन फाड़े, और हर बार हर कलर की आईलाइनर लेना पॉसिबल नहीं है। यू हैव टू टेक आईलाइनर ब्रश या एंगुलर ब्रश कुछ इस तरीके का, आपको उसको माइसेलर वाटर से कुछ स्प्रे कर देना है या फिर उसकी बॉटल में कुछ इस तरीके से डाल दो, लाइक बहुत ही सिंपल सा जुगाड़ है। एंड देन अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, जिस भी कलर का आईलाइनर आप लगाना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू योर ड्रेस, मैचिंग टू योर मेकअप, आपको क्या करना है, उसी कलर का आई शेडो यूज करना है, एंड देन सिंपली ड्रॉ अ लाइनर। विंग लाइनर भी हो सकता है, किसी भी तरीके का आईलाइनर हो सकता है, एंड आई एम टेलिंग यू गाइस, जितना कलर आपके आई शेडो का नहीं दिखता होगा ना आपकी आईज पे, इस तरीके से आई लाइनर का वो दिखने वाला है, एंड यू आर गोइंग टू बी सरप्राइज, क्योंकि इट इज गोइंग टू लास्ट वेरी लॉन्ग, एंड द कलर एक्चुअली शोज अप इवन बेटर देन योर एक्चुअल आई शेडोज।
सो इट इज़ अ ग्रेट हैक टू मिक्स दीज टू प्रोडक्ट, और इन दोनों का ब्लेंड जरूर ट्राई करना एंड लेट मी नो कमेंट सेक्शन में लो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो नेक्स्ट जो हैक है एक्चुअली ये एक नया डिस्कवरी है, बोले तो आविष्कार, जो मैंने किया था और रिसेंटली ही मेरे दिमाग में आया कि यार इट इज़ अ ग्रेट 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 हैक इन केस आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है विद योर यू नो ड्यूरिंग समर, बहुत ज़्यादा स्वेटी हो जाता है, मेकअप मेल्ट होने लगता है, दिस इज समथिंग यू शुड डेफिनेटली ट्राई। नाउ ये क्या कॉम्बिनेशन है इन तीन प्रोडक्ट्स का, ऑल्दो ये इतने यूनिक नहीं है कि आपने कभी यूज ही नहीं किया होगा, एक के ऊपर एक जरूर करते हैं लेकिन एज ए मिक्स करके तो पक्का कभी नहीं किया होगा। नाउ यू हैव टू मिक्स योर कंसीलर, देन पुट सम हाइलाइटर एंड देन उसके बाद में आपको ऐड करना है मेकअप स्प्रे, उसको आपको ऐड कर देना है। एंड गॉड इनका जो ब्लेंड मैंने वो फेस पे लगाया था ना, आई एम श्योर आपने देखा होगा फाउंडेशन तो मिक्स करते ही है इन दिस कॉम्बिनेशन, और कंसीलर थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी में होता है तो फाउंडेशन के चांसेस होते हैं क्रीज होने के, लेकिन कंसीलर के बिल्कुल नहीं होने वाले, वो बिल्कुल ऐसे एक शील्ड की तरह आपके फेस पे लग जाता है एंड ऑल्सो फील स्किन लाइक। आप देखोगे 2 से 3 स्वाइप मैंने लिए थे प्रोडक्ट के एंड दैट्स अबाउट इट, इट लुक्ड एक्चुअली वेरी गुड ऑन माई स्किन और मेरी स्किन पर बहुत ज़्यादा लंबा टिका भी था, दिस इज वॉट वी वॉन्ट इन समर्स राइट। सो वंस यू डू दिस नाउ यू विल अचीव दैट बेस जो कि लॉन्ग लास्टिंग होने वाला है, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हिलेगा। एंड ऑल्सो वंस यू आर डन विद दिस आपको कंटिन्यू करना है विद रेस्ट ऑफ योर मेकअप, क्योंकि यार इसके साथ में तो ऐसे नहीं जा सकते राइट। एंड यू विल नोटिस आप एक्सपीरियंस करोगे वो लॉन्ग लास्टिंग फिनिश और स्किन लाइक फिनिश, आई एम श्योर वो सबको चाहिए होती है राइट। दैट्स इट गाइज, आई मीन यही थे 5-6 कॉम्बिनेशन जो कि मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती थी, इससे ज़्यादा कुछ यूनिक थे कुछ तो यार हम करते ही हैं, नहीं यार बहुत सारे यूनिक ही थे राइट। आपको कौन सा हैक सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और किससे ज़्यादा आप कन्विंस हुए हो और आप पॉज करके वीडियो को अभी ट्राई करने वाले हो, लेट मी द कमेंट सेक्शन बिलो। और जो भी प्रोडक्ट्स मैंने मिक्स एंड मैच में भी यूज़ किए ना उनके सबके डिटेल्स होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेक द मोस्ट ऑफ इट एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वन, टिल देन खुद को ध्यान रखिए, खुद से प्यार करिए। ऐसा कोई हैक है जो आपको पता है और मुझे नहीं पता वो भी मेंशन करिए, मज़ा आएगा मुझे भी ट्राई करके, तो करते हैं ये वाली एक्टिविटी तो उसको भी मेंशन करिए। और ये भी याद रखिए दैट आई लव यू ऑल सो मच।